I'd like to say Happy New Year's to everybody. It's time to get rid of all the mentalities and start thinking fresh, start thinking new. Mentally, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ फिलहाल. But I'm coming from Pune and it's really cold there. My God, it's chilly. So in any case, I'm happy to be here at Gastropop today. And I just want to wish everybody a fresh, brand new beginnings without any delays and being pulled back. And I'm very excited about 2019 because this is where I come forward with a movie I've been giving my life, soul and breath to. It's called Jad. And we are going to be shooting it this year. And there are a lot of other interesting things that I'm doing as a company called Pooja Mishra Productions. For a while now, it's just that I'm not around and I don't like to talk to the media too much. But 2019 promises to be something new, something interesting, and a year with a new perspective, please. We all need that. जी, बिग बॉस के नाम से ही कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है तो फिर कंटेस्टेंट्स तो बाद में आते हैं. आई थिंक दैट शो जस्ट राइड्स ऑन कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द शो इवन ओवरसीज बिग ब्रदर. एंड यस, आई डिड मैनेज टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द ग्रैंड फिनाले यस्टरडे. एंड बिग बॉस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. वहाँ पर एंड मोमेंट पे कुछ और ही हो जाता है जो आप समझते हैं. एंड आई थिंक टू सर्वाइव इन सच अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, कैन बी वेरी वेरी ट्राइंग. एंड येट दीज पुअर कंटेस्टेंट्स आर ट्रैप्ड इन दैट हाउस एंड दे आर गिविंग इट ऑल दे हैव गॉट कि भाई हम जीते, हम जीते. यू नो, वो टग ऑफ वॉर हमेशा लगा रहता है. और मैं तो ऐसी इंसान हूँ जिसने 20 साल इस टग ऑफ वॉर के साथ जिया है. तो अगर आप स्ट्रेस का डेफिनेशन जानना चाहते हैं, प्लीज 20 साल मेरी जिंदगी देख लीजिए, वही काफी है. बट इन एनी केस, आई थिंक हमेशा जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वही जीतता है. सो इफ दीपिका वन, सो बी इट, एंड आई विश ऑल द बेस्ट. तो दीपिका, क्या लगता है आपको कि वो करती थी, अर्जुन करती थी जो उसको बिना बनाया जाए? I think that she maintained a very calm and very happy-go-lucky kind of an attitude. बहुत ही diplomatic रही वो. और मेरे ख्याल से यहाँ वो लोग नहीं appreciate किए जाते जो सच बोलते हैं, क्योंकि सबको सच हैंडल करने की क्षमता नहीं रहती. Everybody doesn't have the courage and the guts to handle the truth. And truth is always bitter. तो शायद सच बोलने वाले एंड तक नहीं जाते, पर जो डिप्लोमैटिक एक फसाद मेंटेन करते हैं, यू नो, मीठा मीठा बोल के, स्वीटी पाई बन के, वही आगे जाते हैं. बट आई एम सॉरी, मैं वैसी हूँ नहीं, तो मैं वैसा एडवोकेट नहीं करूँगी. प्लीज़ जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि जो भी मुखौटे आप पहनते हैं इवेंचुअली गिर ही जाते हैं. और अगर आप उसे कितना भी चिपका के अपने मुँह के सामने रखो, मुखौटा है तो एक दिन गिरेगा. निकलने वाले हैं, मतलब अरमान, मतलब क्या क्या प्लान किया है इस साल को कैसे वेलकम करने वाली हूँ. आई थिंक आई हैव द सेम रेजोल्यूशन एवरी ईयर, इट्स टू वर्क हार्डर एवरी ईयर. आई वॉन्ट टू बी अ बिगर नेम, वर्क टूवर्ड्स बिकम डूइंग बेटर वर्क. और वो ये रेजोल्यूशन रहता है हर साल के अच्छा काम करने का. दैट्स इट, एवरी ईयर इट्स द सेम, टू वर्क हार्डर. यार आई थिंक द मोर यू सेलिब्रेट द बेटर. आज भी करो, 1 अप्रैल को भी करो, 4 बारी और करो,
there should be no limit to celebration, and we're all one, yeah, Hindu, English, British, Muslim, we're all one. Unity. I believe in unity. Yeah. Guys, happy new year. Have a great new year, and stay fit, stay healthy, and make lots of money, work really hard, stay focused. That's it. Thank you. मेरा नाम अवंतिका खत्री है. मैं प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर हूँ. आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे. हाँ, ओके. कितना धमाल करने वाली हूँ. खैर, धमाल करने ही आई हूँ यहाँ पर. न्यू ईयर है, पार्टी करने आई हूँ, पार्टी करूँगी. और रही बात 2018 की, इट्स बीन अ फैंटेबलस जर्नी फॉर मी. मेरी फिल्म जो है कैंस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी. आई वॉक द रेड कार्पेट फॉर दैट एज वेल. आई वॉज द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर फॉर दैट. आई गॉट लाइक बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. Then I'm also making a travel series that I've recently shot in Italy. So that's what I've been doing right now. Or 2009 ka agar baat kiya jaye ki kya resolution hai, to main resolution jo hai kabhi rakhti nahi hu, because it doesn't work anytime. It's like I'm just too practical for that. Kya kuch hone wala hai? काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस होने वाले हैं. सेइंग समथिंग नो, ओके. काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस होने वाले हैं. मैं एक फिल्म प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ, जिसके बारे में अभी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती. आई एम प्रोड्यूसिंग इट एंड आई विल बी एक्टिंग इन दैट एज वेल. हाँ जी, बिल्कुल. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. बी रिस्पॉन्सिबल, बॉडी हार्ड बट स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल. Hi, so I'm Anaksha Biswas. I wish everybody watching this a very, very happy new year. 2019 looks promising. I think it's going to be a great year. Yes. Actually, 2018 has been a rocking year for me. I had some 3 releases. Started with Vikram Bhatt's Maya 2, then went on to Amazon Prime's Mirzapur, then went on to Ashcharya Chakit on Netflix. So it has been a beautiful year. Bahut hi fertile year raha hai mere liye. And I can't wait for 2019. I think it's going to be a very, very exciting year. एक्चुअली दोनों, मिर्ज़ापुर और आश्चर्य चकित, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है. एंड एवरीबडी इज लविंग माई कैरेक्टर ज़रीना. सो आई एम लाइक, मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा मेरे कैरेक्टर ज़रीना को. बट येस, आई थिंक इट्स द टाइम फॉर टैलेंट. एंड आई थिंक आवर सिनेमा इज चेंजिंग, एंड सो इज़ द व्यूअर्स. टॉन्ग ट्विस्टर. तो 2019 में मेरी फिल्म फ्रॉड से ही आ रही है. प्रकाश झा जी ने प्रोड्यूस किया है. जी, अर्शद वारसी की बीवी बनी हूँ. उसके बाद सुधीर मिश्रा के साथ मैंने नेटफ्लिक्स के लिए हॉस्टेजेस किया है, वो आ रहा है. तो यस, इट्स लॉट्स इन स्टॉक आई थिंक. मैं अर्शद वारसी की बीवी बनी हूँ, स्मॉल टाउन गर्ल. एंड हाउ अर्शद प्लेज अस ऑल. जी, सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड बी अ गुड सिटीजन एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई गेस. हैप्पी न्यू ईयर.